बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन ऐसा, सारिम भी आया है मेरे घर पीछे जो है लेटा हुआ है। सारिम भी क्या क्या पकड़ा हुआ है हाथों के अंदर? गाड़ी गाड़ी पकड़ी हुई है जी इसने। गाड़ी गाड़ी तो दिखाओ जरा। उफ अल्लाह, दरवाजे भी खुलते हैं अगले की गाड़ी खोल के दिखा जरा। ये डिग्गी भी खुलती है। डिग्गी खोल, डिग्गी नहीं खुलती, खुलती है ना यार, नहीं खुलती। अच्छी नहीं वाले रिम देखो जी, रिम चेक करो। चेक करो जी, ये देखो, ये दोनों गाड़ियाँ, ये वो छोटी है एक बड़ी गाड़ी है, ये देखो वाला। ओए होए 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 होए, ये मिट्टी लगी है शीशा। दिखाते हैं आपको व्यू गाड़ी के अंदर का क्या है अंदर। ओए ओए, ये चेक करो जी अंदर का व्यू गाड़ी के। ये अंदर नीचे क्या अच्छा, ये नीचे बैठने की जगह। उधर उधर साइड में देखते हैं यहाँ पे, इसके घुमाओ जरा जी यहाँ पे। ओए ओए, स्टेयरिंग भी है जी, स्टेयरिंग। अभी इस गाड़ी का भी विजिट करवाते हैं आपको अंदर का जरा, और अंदर नहीं घुस आपके लिए वो। हाँ ये दिखाओ दरवाज़ा भी खोल, दरवाज़ा दरवाज़ा पकड़ के रखना है। हटो हटो, आज रहा आज। ए जी ये चेक करो इसके अंदर का व्यू। उसके अंदर जी ये है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग है ये सामने से करवाओ। और ये सामने से देखो जी अंदर से, ये गियर भी लगा हुआ है। ये रहा गियर, किधर गया ये रहा। और ये दरवाज़ा खुलता है, उसके नीचे से ये है, इसके नीचे अंदर क्या डाला हुआ है हमने, अंदर डाला हुआ है जी ये बैटरी। चार्ज होती है ये वाली गाड़ी, और ये वाली जो है चलती है जी बैटरी से। ये गाड़ी है वो भी बैटरी से चलती है। हाँ एक और सारी की गाड़ी है वो भी चलती है जी बैटरी से। और आज मामा जी ने फ्रिज भी साफ किया था हमारा, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, अभी दिखाता हूँ जी गाइस। अभी यहाँ पे खतीजा का गला टूटने लगा है, इसने पैसे जमा किए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। पकड़ो तो सही इसको। थोड़े से ही है मामा जी, और ज्यादा पैसे नहीं जमाए। अभी हम इसे काउंट करते हैं और फिर देखते हैं ये कितने हैं। ये लो जी, पकड़ो जरा इसको। पैसे इकट्ठे हमारी काउंटिंग हो चुकी है। ऑलरेडी कितने हैं ये? बस थोड़े हम नहीं बता सकते, दिखा इतने थोड़े कि हम पैसे बता भी नहीं सकते। पैसे तो दिखा, इतने थोड़े पैसे इसने जमा किए कि हम बता भी नहीं। पता किसी तरह लग रही है आज हमारे हमने की है फ्रिज की सफाई हो गई। ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पे सब्जियां वगैरह रखते हैं बॉक्स में, वो बहुत शदीद गंदा हुआ था और मम्मा से बहुत शदीद हमारी हुई है बेइज्जती। अभी मम्मा किचन के अंदर है तो मैं किचन को भी दिखाती हूँ, आपकी हालत इतनी शदीद गंदी हुई है जी। ये मम्मा धो रही हैं और हमारी बेइज्जती भी हो रही है थोड़ी सी, हाथ धोती है। मम्मा ये वो इसी बोझ में ना होटल रखी हुई होती है पानी वाली, और अभी फिलहाल गर्मी के दिन में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। और आज हम बनाने लगे हैं ऊँट का गोल, है ना, बाल्टी गोल। तो वो पता नहीं कैसा होगा, डैडी ने बोला है बनाए तो बनेगा। हमारे फ्रिज की सफाई कंप्लीट हो चुकी है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर सेट हो चुकी है, हमारा किचन भी साफ़ हो चुका है और सफाई वगैरह घर की सब कम्प्लीट हो गई है। मैं वो किचन दिखाती हूँ जी, देखिए सारा किचन भी कम्प्लीट हो चुका है, साफ़ हो चुका है, और बस और घर की भी सारी सफाई डन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह जी। गाइस आज हमारे घर में बन रही है अम्बी की चटनी, जो कच्ची अम्बियाँ होती हैं ना उसको ऐसे काट के और पता नहीं फिर बॉयल हो गए उबाल, हाँ बॉयल करके और फिर पता नहीं मसाले वगैरह डाल के वो मीठी चटनी बनती है। ये डैडी को बहुत पसंद है ना,
तो होती वैसे अभी ये बड़ी खट्टी है लेकिन बन के मीठी हो जाती है, पता नहीं। और देखिए हमारी आम की चटनी बन रही थी वो तैयार हो रही है। इसे पहले बॉईल करके उसका पानी फेंक दिया है और अब पानी में बन रही है। हाँ पानी में ही बन रही, सिरके में और कलौंजी है, नमक है, मिर्चे हैं और चीनी है, इसके अंदर ये बन रही है तभी ये मीठी हो जाती है। और गर्म मसाला, गर्म मसाला वगैरह। तो अब जब ये कितनी देर पकाना पड़ता है इसको? बस ये कि आधा घंटा लगेगा अभी इसको, फिर ये गाढ़ी हो जाएगी। जी गाइस इस टाइम शाम के 7:30 हो रहे हैं और देखिए कल इतनी शदीद गर्मी थी और अब माशाल्लाह से मौसम कितना अच्छा हो चुका है, इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है ना, ये देखें इतना प्यारा वेदर हो गया। पता नहीं मूसा किधर है, वरना वो अभी आपको दिखाता, लेकिन लग रहा है बारिश भी हो, नहीं तो बारिश नहीं होती है। मेरी अभी जानों का टाइम है तो नीचे चलते हैं इससे पहले कि किसी से डांट पड़ जाए। जी गाइस जी हमारी चटनी तैयार हो गई है, अब इसे ठंडी होने के लिए अंदर रखा हुआ है थोड़े एसी के अंदर ताकि ये थोड़ी ठंडी हो, उसके बाद ये फ्रिज में जाएगी और फिर इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और ये हमारी कम्प्लीट चटनी बन चुकी है।